हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट लेक्चर में क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ रहे थे। क्वांटम हीट है या क्वांटम एफिशिएंसी, तो इसके बेसिस पे रिएक्शंस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिसकी क्वांटम हीट यूनिटी हो सकती है, हाई क्वांटम एफिशिएंसी हो सकती है, या लो क्वांटम एफिशिएंसी। तो आज हम पढ़ेंगे लो क्वांटम हीट वाले रिएक्शंस, उनकी क्वांटम एफिशिएंसी फाइव से लेस होती है, लेस देन वन, इट इज वेरी मच लेस देन वन। इसके एग्जांपल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ HBr, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन, मैलिक एसिड और ह्यूमरिक एसिड का सिस ट्रांस, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इंटू ह्यूमरिक एसिड, सिस वाले कोण बोलते हैं मैलिक एसिड और ट्रांस वाले कोण बोलते हैं ह्यूमरिक एसिड। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, लो क्वांटम रिएक्शंस के। इनकी जो क्वांटम एफिशिएंसी है बहुत कम होती है, 0.1, 0.5, 0.2, इट इज वेरी मच लेस देन वन। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द लो क्वांटम रिएक्शंस, क्यों इसकी क्वांटम कम क्यों होती है ऐसे रिएक्शंस की। इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो मॉलिक्यूल है, जैसे इसमें ब्रोमीन रिलेटेड, ब्रोमीन लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसमें अमोनिया करता है, इसमें ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। तो जो मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके वो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जो इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल बना आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसके रीजन है फर्स्ट क्या होगा, रीजन एक्साइटेड मॉलिक्यूल वो अपनी एनर्जी यूज कर लेता है या डीएक्टिवेट हो जाता है, बिफोर फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, आगे रिएक्ट करने से पहले ही अपनी एनर्जी यूज कर लेता है, इसलिए वो आगे रिएक्ट नहीं कर सकता, तो क्वांटम एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी तरह दूसरा रीजन हो सकता है कि वो कोलाइड कर रहे हैं किससे, दूसरे मॉलिक्यूल से, कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स। एक्साइटेड मॉलिक्यूल दूसरे ग्राउंड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स, अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर लेता है और अपनी एनर्जी यूज कर लेता है, उनकी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तीसरा रीजन है फोटोकेमिकल, जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। तो ए मॉलिक्यूल इससे एक्साइटेड स्टेट ए बन गई, लेकिन ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो आगे ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए एक क्वांटम एब्जॉर्ब करके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कम बनते हैं, इसलिए क्वांटम हीट कम हो जाती है। और फोर्थ है कि जिससे मान लीजिए ए बी से ये ए बना, ए स्टार
डिसोसिएशन से ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, इसके दो फ्रेगमेंट्स बन गए, उनमें से एक ही एक्साइटेड मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये दोनों फ्रेगमेंट्स वापस कंबाइन करके ओरिजिनल मॉलिक्यूल बना लें, तो फिर ये आगे रिएक्ट नहीं करता, इसलिए क्वांटम एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो दीज आर द फोर रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। या तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट हो जाता है अपने आप ही आगे प्रोडक्ट बनाने से पहले, या वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके अपनी एनर्जी उनको दे देता है, या प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस जिससे वो बना है वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, या जिस मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल स्पीशीज बनी है वो वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स और ओरिजिनल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं लो क्वांटम यील्ड। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी को हम मेजर कैसे करते हैं, और मेजर क्यों करना है हमको, क्योंकि क्वांटम एफिशिएंसी से हमको फोटोकेमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म निकालने के लिए हमको क्वांटम यील्ड की जरूरत है, और क्वांटम यील्ड निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। क्वांटम यील्ड किससे पता चलती है हमको, हम जानते हैं उसके फॉर्मूले में आपके दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन यूनिट टाइम ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्वांटम यील्ड या फाई के फॉर्मूले में हमने देखा था आपके पास न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन यूनिट टाइम, और डिनोमिनेटर में होता है नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन यूनिट टाइम इज नथिंग बट रेट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, और रेट ऑफ द रिएक्शन हम किसी भी एनालिटिकल मेथड से निकाल सकते हैं। किसी भी एनालिटिकल मेथड से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जैसे टाइट्रेशन से हम निकाल सकते हैं, टाइट्रेशन से हम देख सकते हैं कितनी वॉल्यूम किस वॉल्यूम किस कंपाउंड की कितनी वॉल्यूम दूसरे से रिएक्ट करे, या कंडक्टिविटी से हम निकाल सकते हैं कंडक्टोमीट्री से, पोटेंशियोमीट्री से, ये सब एनालिटिकल मेथड्स हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है क्वांटम एफिशिएंसी के लिए, नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय दिस मॉलिक्यूल। तो मतलब हमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपके मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन में वो हमें निकालनी है। ठीक है, आइंस्टीन एब्जॉर्ब मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, तो मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये हमको निकालना है। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका रिएक्शन वेसल है, रिएक्शन चैम्बर या रिएक्शन वेसल है जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसमें कितनी तो लाइट इंसिडेंट हुई है वो पता होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रिएक्शन वेसल, ठीक है, या इंटेंसिटी या हम नंबर ऑफ
आइंस्टीन बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ क्वांटा बोल सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ क्वांटा रिएक्शन वेसल में लाइट के इंसिडेंट हुए और फिर कितने उसमें से निकले, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या कितने क्वांटा ऑफ लाइट एमिटेड। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इस रिएक्शन वेसल में आपका जो मॉलिक्यूल है उसने कितनी इंटेंसिटी लाइट की, कितना कितने क्वांटा एब्जॉर्ब करे, ये पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इस पर कितने क्वांटा तो हमने डाले और कितने क्वांटा ऑफ लाइट इसमें से एमिट हुए या पास हुए। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस ही हमारे पास आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है कि आपका लाइट का सोर्स है, फिर यहाँ पे एक लेंस लगी हुई है, दिस इज लेंस, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, फिर यहाँ से ये आपका फिल्टर या मोनोक्रोमेटर होता है, उसके बाद यहाँ पे आपकी ये रिएक्शन वैसे जिसमें रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन वैसे है, और उसके बाद यहाँ पे ये होता है डिटेक्टर, स्लिप होती है, ये मोनोक्रोमेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें सबसे पहले यहाँ लाइट का सोर्स है, तो आपको जो भी लाइट यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग, जिस भी लैम्डा की लाइट यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग हम लाइट सोर्स ले सकते हैं। लाइट सोर्स सनलाइट हो सकता है, ज़ेनॉन आर्क लैंप हो सकता है, अगर हम विजिबल लाइट ले रहे हैं तो ज़ेनॉन आर्क लैंप ले सकते हैं, हम टंगस्टन लैंप ले सकते हैं, और अगर हम यूवी लाइट के रेडिएशन हमें चाहिए तो हम मर्करी लैंप यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैम्डा ऑफ लाइट विच वी रिक्वायर हम लाइट सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर लाइट का सोर्स जो है उससे फिर मोनोक्रोमेटर होता है। नंबर टू फर्स्ट हो गया लाइट सोर्स, दूसरा है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ये एक तरह का फिल्टर होता है या प्रिज्म होती है जिससे हमको एक लैम्डा की लाइट मिलती है। जो लाइट सोर्स है वो हमको बहुत सारी, जो लाइट सोर्स से लाइट आएगी हमारे पास वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैम्डाज आती है और हमको किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा की लाइट चाहिए तो हम मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं। ये क्या प्रिज्म भी हो सकता है या फिल्टर हो सकता है जिससे हमको सिंगल लैम्डा की लाइट हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब इस मोनोक्रोमेटर से फिर लाइट पास होगी, लाइट जो है वो अब जाएगी रिएक्शन वैसे में। ठीक है, रिएक्शन वैसे या रिएक्शन चैम्बर जो है वो कैसा होता है, ग्लास का होता है अगर यू आर यूजिंग विजिबल लाइट, और क्वार्ट्ज का हो सकता है अगर हम यूवी लाइट। ठीक है,
यूवी लाइट हम यूज करते हैं तो क्वार्ट्ज का रिएक्शन चैम्बर होता है, और अगर विजिबल लाइट यूज करते हैं तो ग्लास का चैम्बर बना होता है। और इस चैम्बर के चारों तरफ थर्मोस्टैट होता है टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए। ठीक है, और इससे हम एक डिवाइस भी लगा देते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करती है। अभी हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन टाइट्रेशन से या कंडक्टिविटी से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल मीटर से निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाली डिवाइस भी इस रिएक्शन चैम्बर के साथ हम अटैच कर देते हैं। उसके बाद इसमें से जो लाइट पास होकर जो लाइट इसमें से एमिट होती है निकलती है उसको हम यहाँ डिटेक्टर पर लेते हैं। तो डिटेक्टर जो है वो हमको बताता है कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस रिएक्शन चैम्बर में से बाहर आई। तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो उसमें से बाहर आती है फिर हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितनी लाइट तो हमने इंसिडेंट करी थी वो हमको पता होती है, और कितनी लाइट इसमें से एमिट हुई वो निकल जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड माइनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट माइनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड हम कर देते हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब आ जाता है। तो ये जो डिटेक्टर है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। डिटेक्टर या एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, थर्मोपाइल, रेडियो माइक्रोमीटर, केमिकल एक्टिनोमीटर्स। केमिकल एक्टिनोमीटर तो इसमें आप क्या करते हैं रिएक्शन सेल को एक बार हम खाली रखते हैं, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था उसमें रिएक्शन सेल को एक बार एम्प्टी रखते हैं और एमिटेड लाइट रेडिएशंस को की इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। फिर उसमें जो भी मॉलिक्यूल हमको फोटोकेमिकल रिएक्शन में कराने हैं वो वाला मॉलिक्यूल उसका रिएक्शन वैसे में रिएक्शन कराते हैं, फिर एमिटेड लाइट निकालते हैं। तो दोनों के डिफरेंस से हमको पता चल जाता है कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो ये चार तरह के डिटेक्टर्स हो सकते हैं आपके पास, और ये सबको हम बोलते हैं ये तीनों जो हैं ये फिजिकल एक्टिनोमीटर हम कह सकते हैं इनको। और केमिकल एक्टिनोमीटर में कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो इस केमिकल एक्टिनोमीटर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें एक्टिनोमीटर से मतलब क्या है, हमको जो ये जो मेथड है ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन अ फोटोकेमिकल प्रोसेस उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमेट्री। ठीक है, जो हमने ये पूरा मेथड पढ़ा है इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमेट्री। ये क्या है मेथड ऑफ डिटरमिनिंग इंटेंसिटी या क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन अ फोटोकेमिकल प्रोसेस और इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इंटेंसिटी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा एक्टिनोमेट्री, लो क्वांटम रिएक्शंस पढ़े, और उसके बाद हमने एक्टिनोमेट्री पढ़ा कि हम कैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं। क्वांटम में दो चीजें हैं,
नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग मतलब रेट तो हम निकाल सकते हैं किसी भी एनालिटिकल मेथड से, टाइट्रेशन से, कंडक्टिविटी से, पोटेंशियोमेट्री से, और नंबर ऑफ लाइट या क्वांटा एब्जॉर्ब जो है वो हम निकालते हैं एक्टिनोमेट्री के थ्रू, इसका जो हमने पूरा इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ा था। तो इस तरह से हम क्वांटम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल एक्टिनोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल एक्टिनोमीटर्स। थैंक यू।